दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स की रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल और आरसीबी के बीच, जो कि खेलने वाली हैं आईपीएल 2019। तो प्लीज़ वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच खेले गए आईपीएल मुकाबलों के बारे में। तो दोस्तों, दोनों टीमों के बीच आईपीएल में 21 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 14 मुकाबले आरसीबी की टीम ने जीते हैं, जबकि 6 मुकाबले दिल्ली कैपिटल को जीतने को मिले हैं, जबकि एक मुकाबला नहीं खेला जा सका। दोस्तों, इससे पता चलता है कि आरसीबी का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी रहता है दिल्ली कैपिटल के ऊपर। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के पिछले सीजन के बारे में। तो दोस्तों, दोनों टीमों का पिछला सीजन बहुत ही ख़राब रहा था। जैसे कि आप लोग जानते हो कि दिल्ली कैपिटल और आरसीबी की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे प्लेऑफ्स के लिए, और दोनों टीम लास्ट और सेकंड लास्ट पर रहे थे। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के ओपनिंग पेयर के बारे में। तो दोस्तों, आरसीबी का ओपनिंग पेयर होने वाला है पार्थिव पटेल और विराट कोहली का, और वहीं बात के दिल्ली कैपिटल का, दिल्ली कैपिटल का होने वाला है शिखर धवन और पृथ्वी शॉ का। दोस्तों, दोनों टीमों का ओपनिंग पेयर एक समान दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली कैपिटल का ओपनिंग पेयर ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों, आरसीबी का मिडिल ऑर्डर होने वाला है सिरमन हिटमायर, एबी डिविलियर्स और शिवम दुबे का, और वहीं बात के दिल्ली कैपिटल का, तो दिल्ली कैपिटल का होने वाला है कॉलिन मिनरो, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत का। दोस्तों, दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस और मजबूत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के ऑलराउंडर के बारे में। तो दोस्तों, आरसीबी के ऑलराउंडर होने वाले हैं मार्कस टाउनेस और पवन नेगी, और वहीं बात के दिल्ली कैपिटल के, दिल्ली कैपिटल के होने वाले हैं क्रिस मॉरिस और अक्षर पटेल। दोस्तों, दोनों टीमों के ऑलराउंडर के हिसाब से बात की जाए तो इसमें दिल्ली कैपिटल के ऑलराउंडर बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं अगेंस्ट आरसीबी के खिलाफ। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बॉलर्स के बारे में। तो दोस्तों, आरसीबी का बॉलिंग लाइन होने वाले हैं मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, टीम सऊदी और युविंदर चहल, और वहीं बात के दिल्ली कैपिटल का, दिल्ली कैपिटल का होने वाला है संदीप लामचिनी, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और ईशान शर्मा। दोस्तों, दोनों टीमों का बॉलिंग लाइन बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बैलेंस दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमों के बीच आईपीएल में खेला गया मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपकी कौन सी फेवरेट टीम है इन दोनों में से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आईपीएल जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।